शिमारू कॉमेडी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। क्या है? नहीं, वो तेल मिलेगा, तेल। तेल? वो बंटी है ना, उनाने के लिए तेल ले गया। दिन भर मसाज करता रहता है, सारा तेल खत्म कर दिया। थोड़ा तेल आपके यहाँ से उधार मिलेगा, मेकअप उतारना है। एक मिनट। दरवाजा क्यों बंद किया? मुझे तुमसे एक राज की बात बोलनी है। ये बंटी है ना बंटी, इसका कभी भरोसा मत करना, एकदम यकीन करने के लायक आदमी नहीं है। यही वो राज की बात है? नहीं नहीं, राज की बात तो दूसरी है। मुझे तुम्हारी तारीफ करनी थी, तुमको बताना था कि कितने लोग तारीफ कर रहे हैं, मालूम है क्या बोल रहे हैं हमारे बारे में, क्या कमाल का डांस करते हैं, कमाल की सुपर डुपर की भी ऊपर की जोड़ी है। तो ये वो राज की बात है? नहीं, राज की बात तो ये है कि मैं तुमको बताना चाह रहा था कि मैं सोच रहा था कि अगर ये जोड़ी जो हम लोग दोनों की है वो असली जिंदगी में भी जोड़ी बन जाए तो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो। रुक रुक रुक। तू उसके कमरे में क्या कर रहा था? नहीं, मैं तो गया नहीं कहीं। तो तू ये गाल क्यों दबा रखा? दिखा ना। ये तेरे गाल लाल क्यों है? वो लिपस्टिक गई नहीं यहाँ से। लिपस्टिक? तेरे गाल पे लिपस्टिक क्यों आएगा? बोलना। किसी को बोलना नहीं है, मैं उसके कमरे में गया। नहीं, प्रॉमिस। मैं नहीं, प्रॉमिस, 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 पक्का। बोलना, बोलना। सुनो, बता। बोल। क्या मुझे प्यास लगी थी? हाँ। मैं उसके कमरे में गया पानी मांगा। हाँ। तो वो आई। हाँ। आके ऐसे ऐसे। अरे आगे बोल रहा है यार। सुन तो सही, बता दो ना। आके मुझे बोलती है पानी, मैंने हाथ पकड़ लिया। फिर हाँ आगे बोलना। नहीं बता। भाई बताना, भाई 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 मेरा भाई बताना, बताना मेरा बताना। हो गया, सब खा गया, कुछ नहीं बचा। एक जो पता नहीं है मेरी इज्जत का सवाल। अरे भाई क्यों बताऊंगा यार। सावित्री ज्यादा होशियारी मत दिखा। कल रात को जब ये तेरे कमरे में आया तो इसके साथ उछल उछल के कार्यक्रम हो रहे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मैंने क्या किया? सुना सेठ जी, सावित्री जी कह रही है मैंने क्या किया। क्यों? कल रात को जब ये तेरे रूम में आया तब तो तू कुछ नहीं बोली, हैं? अब चिल्लाने लगी। अरे इसमें से कौन से गुण है जो मेरे में नहीं है? अबे रुक ना। रात का छोड़, अभी का बोल। बाबला, तू रात को इसके कमरे में गया था? गया था। तू इसके कमरे में गया था क्या? मैं तो सेठ जी शाम को 7 बजे के बाद सो रहा था। हे राम, ये दरिंदा कितना झूठ बोलता है सेठ जी। इसको पूछो, कल रात को तूने मेरे को बोला नहीं कि तू उसके रूम में गया था? अरे भैया, मुझे 7 बजे सोता हूँ तो उसके बाद 1-2 नंबर करने के लिए उठता नहीं हुआ। मुझे मिला नहीं था? कब? तब? तब कब? सेठ जी, मैं बोलता हूँ इस आदमी को यहाँ से निकालो। सेठ जी एकदम चुप, चुप। तो पहले इसकी माफी मांग। बायना की माफी मांग। सेठ जी मैं माफी नहीं मांगूंगा, ये सब इस कमीने की वजह से हुआ। तू लंदन आ, तुझे तो मैं वहाँ देखूंगा। ऐसी बदमाशी अगर ये खुलेआम करेगा तो हम औरतों का लंदन में क्या होगा? माफी वाफी नहीं चलेगी, इस हवस के पुजारी को सजा मिलनी ही चाहिए। एक और सावित्री बोली। पुलिस को बुलाऊंगा, पुलिस को। हाँ सेठ जी, पुलिस को बुलाना। अरे चुप करो, शोर मत मचाओ कमीनो।
वो ऑर्गेनाइजर सुनेगा तो क्या सोचेगा मेरे बारे में? साले तुम्हारी इज्जत नहीं है, मेरी इज्जत का तो कुछ सोचो। साले मेरी 30 साल की करियर में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन जब से तुम दोनों आए हो मेरी उम्र दुगनी हो गई है। वो सब बात ठीक है, लेकिन इसको सजा तो मिलनी चाहिए ना। अरे कौन सी सजा, कैसी सजा? अच्छा भूल गया, वो सेठ जी नागपुर के अंदर जो शो हुआ था उसके अंदर वो ऑर्गेनाइजर की बेटी थी, उसको मैंने भैंस बुलाया था तो मुझे बर्तन मांजने की सजा मिली थी, जबकि मैंने बुलाया भी नहीं था। और इसने तो किया है, इसको कम से कम कपड़े धोने की सजा तो मिलनी चाहिए ना। आज से 1 महीने के लिए सबके गंदे कपड़े तू धोएगा। खुश खुश, चलो जाओ सब अपने अपने कमरे में और गंदे कपड़े संभाल के रखो। तेरी मार। चलो भैया सबका चाय नाश्ता नाना धोना हो गया ना? मेरा बाकी है। क्या प्रॉब्लम है? वो रूम सेट हो रहा है अभी। चलो वो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हमारे पास हीरोइन नहीं है, और वो समस्या का निवारण भी हो गया है। क्या निवारण किया, कैसे किया? देखो वो क्या है, कहानी वही रहेगी, सिर्फ हीरो हीरोइन बदल गए हैं। हीरोइन कौन होगी? मैं हूँ। मैं हीरो हूँ और ये वैजयंती वो हीरोइन बनेगी। इसका मतलब ये बात तो क्लियर है, ये अपना लास्ट शो है, इसके बाद सीधा इंडिया। चुप करे, तेरी वजह से हीरोइन भाग गई है। हाँ वो जो भी है, लेकिन पब्लिक हमारे कपड़े तो नहीं फाड़ेगी। नहीं मैं क्या सोच रहा था कि अगर सेजी हीरो बनते हैं और ये हीरोइन बनती है तो इसका शीर्षक क्या होगा? सिग्नल बुढ़ापे का सिग्नल। स्टूपिड इडियट, वेरी फनी। सेजी आवाज बंद नहीं होगी, बोलते रहो। सेजी एक धमकी है, अगर ये हीरोइन बनती है तो इस नाटक का विलन मैं बनूंगा। विलन तू क्यों बनेगा? तू क्यों बनेगा? विलन हमेशा मैं बनता हूँ, मैं ही रहूंगा, समझे ना? तेरे को तो हीरो बनने का बहुत शौक था ना, अभी चांस मिल रहा है तो लेता क्यों नहीं है? भाई साहब मुझे हीरो बनना है, किसी का बेटा नहीं बनना। क्या? मुझे भी किसी का पोता नहीं बनना। चुप चुप, अभी सिर्फ एक रास्ता है और जो सबको मानना पड़ेगा, जो हीरोइन ढूंढ के लेके आएगा वो ही हीरो का रोल करेगा। हीरो का रोल करना है तो हीरोइन लेकर आओ, नहीं तो मैं इसके साथ शो करूंगा, और जो मेरे साथ शो नहीं करेगा उसको मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा, हो सकता है वो कर लेगा। 12, 13, 14, 30, पॉन्ड में छाप रहे हो? अरे टैक्सी भाड़े की है ना, तो रोज रोज का हिसाब देना पड़ता है। लेकिन तुम अभी भी ये बैग लेके कहाँ घूम रहे हो? नहीं वो ट्रायल चल रहा है ना, साफ सफाई। अच्छा अच्छा अच्छा, पे था मैं। ये मौसम कैसा है यहाँ का? अरे लंदन का मौसम और लंदन की लड़कियाँ, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कभी भी रंग बदलते रहते हैं। क्यों, यहाँ की लड़कियाँ अच्छी नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, ये तो कहावत है, लड़कियाँ तो बहुत अच्छी हैं। नहीं मेरा मतलब उनका स्वभाव कैसा है, दोस्ती वोस्ती करती है कि नहीं? जो भी देसी आता है घुमा फिरा के वही पूछता है। नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। अच्छा? मैं तो बस यूं ही। अच्छा यूं ही? आटो, आटो। क्या हुआ? आटो तो। क्या हुआ क्या? अच्छा किस तरह की लड़की चाहिए, मैक्सिकन, चाइनीज, जैपनीज, इंग्लिश? सच बताऊं? हाँ। एकदम भारतीय लड़की चाहिए। क्या? हाँ। तुम्हें विदेश में आके भी देसी लड़की चाहिए? क्या बताऊं, खेल ही ऐसा है। हाँ समझ गया समझ गया, यहाँ सब अपना खेल अपने स्टाइल में खेलते हैं। हाँ। कई लोग आके हमसे पूछते हैं। ए, बंटी ने पूछा क्या? अरे किसी ने नहीं पूछा, मैं तो ऐसे कह रहा था। ओ। कब चाहिए? आज। आज? अभी। अभी? हाँ। ए, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, बोलो। 1 महीने के लिए चाहिए। 1 महीना? वही की वही, सेम टेस्ट। क्या तुम भी यार? अरे नहीं नहीं, दरअसल नहीं नहीं, दरअसल मेरी, अरे शादी नहीं हुई ना इसीलिए। समझ रहा हूँ, सब समझता हूँ। अच्छा सुनो। हाँ। उसको हिंदी भी आनी चाहिए। हिंदी? हाँ। अच्छा हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए? हाँ, चलो, 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 चलो। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। 1 महीने के लिए चाहिए, हिंदी में डायलॉग बोलने वाली चाहिए, सारी चीजें बड़ी। अरे डायलॉग में इतना खुश क्यों गए? अच्छा लगा। अच्छा सुनो। हाँ हाँ। लड़की एकदम हीरोइन जैसी होनी चाहिए। हाँ। ठुमका लगाए मस्त। बड़े रंगीन आदमी लगते हो यार। कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जैसा बोलोगे वैसा नाचेगी, ठुमका बोलोगे ठुमका लगाएगी। अरे पैसा खर्च करो, क्या नहीं हो सकता? पैसा कितना ले लेगी? अरे यार छोड़ो ना, वो तो वो लोग बताएंगे, तुम उसकी चिंता क्यों करते हो? तुम्हें जैसा बोला है वैसा करते जाओ। देखो तुम यहाँ से लो, तुम यहाँ से सीधे लो, सीधे, और फिर चौथे सिग्नल से बाएं ले लेना, और उसके बाद बहुत बड़ा पार्क पड़ेगा, वहाँ बहुत सारे इंडियंस खड़े मिलेंगे, लेकिन किसी गोरे से मत पूछना, इंडियंस देखते तुम्हें समझ जाएंगे, वो तुमसे दोस्ती करने की कोशिश करेंगे, वो जैसे ही आए उनसे मांग लेना, पर पुलिस से सावधान रहना, ये बात। अच्छा सुनो। हाँ ये बात जो तुम्हारे मेरे बीच में हुई है, हाँ हाँ हाँ,
कोई पूछे तो मत बता। अरे नहीं लोग पूछेंगे। अरे तुम चिंता ही मत करो। पूछेंगे। अरे तुम जाओ अपना काम करो। जाओ। All the best। ए रुक रुक रुक। इस बैग का क्या करें? सोचने दे। क्या सोचने दे? इसके अंदर का माल उठा के फेंक डालते हैं, ये बैग रख लेते हैं, कपड़े रखने का काम आएगा। अच्छा बैग है यार। अबे तेरा दिमाग खराब है क्या? मालूम है इसकी कीमत क्या है? 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया? ये अरे 5,000 के ऊपर की चीज नहीं है ये। अबे ढोलकी के, मैं इस बैग की बात नहीं कर रहा, अंदर के माल की बात कर रहा हूँ। ये कचरे का 1 करोड़ रुपया तूने क्या मेरे को ये ना समझाया क्या? हाँ। ए, तीसरी फेल पीटी पास, मैं बी इंग्लिश हूँ समझे, ये सब जानने समझने के लिए अक्ल चाहिए, जो तेरे पास नहीं मेरे पास है। ए, सुनो सुनो मैं क्या बोल रहा, मेरी बात सुनना, अगर वाकई ये माल 1 करोड़ रुपए का है तो इसको साले को बेच डाले, कम से कम सारी जिंदगी उस चंपक सेठ के लिए अपना पिछवाड़ा उठा उठा कर मुजरा करने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। अरे दो गाली मारेंगे उस चंपक सेठ को और सारी जिंदगी ऐश से जिएंगे। क्या बोलता है, इस माल को बेच दे? हाँ बेच दे बेच दे। एक काम कर, तू सड़क पर दरी लगा और माल बेचना शुरू कर दे। बोल ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो, ड्रग्स ले लो। हाँ पब्लिक आएगी क्या? आएगी ना, वर्दी पहन के आएगी। पुलिस, एक्सक्यूज मी, वेयर इज द पुलिस स्टेशन है प्लीज? वेयर आई एम फ्रॉम रशिया, डोंट आस्क मी स्टूपिड क्वेश्चंस। क्या 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 बोला ये? इधर आ, तू इधर आ, और तेरे को उठा के लेके जाएगी और 150-200 साल के लिए अंदर डाल देगी। नहीं नहीं, अपन एक काम करते हैं, हम लोग इस कचरे को ले जाकर कचरे में फेंक देते हैं और अपन कचरे से बाहर आ जाते हैं भाई। अच्छा अच्छा, मेरी बात सुन, चल अपन पुलिस स्टेशन चलते हैं, पुलिस वालों को सारा सामान देते हैं और इसके बाद उनको बोलते हैं कि हम लोग, हमको अंदर करो, हम अंदर आने के लिए तरस रहे हैं। दिमाग खराब है, उल्टी सीधी बातें क्यों करता? उल्टा पैदा हुआ था क्या? दिमाग खराब है तेरा? उल्टा उन लोग हम लोग को इनाम देंगे हमारी ईमानदारी के लिए, बल्कि मेरी एक फोटो भी छपेगी। यू मेरी क्यों नहीं छपेगी? लेकिन तेरी छोटी छपेगी। क्यों? डिग्री नहीं ना तेरे पास? ए, हमको भी सोचने का मौका दो भाई। सोचने के लिए दिमाग चाहिए, तू सिर्फ अपने कान खोले रख और मैं जो सोचता हूँ वो सुन बस। नहीं नहीं, फिर भी हमारा भी सोचना जरूरी होता है। टैक्सी, जल्दी आओ मूर्ख, जल्दी आ। यानी दो आदमी आए और तुम्हें ये बैग देकर चले गए। सर सर, वी इंडियंस, बाय बाय सर। शायद आई विल आंसर द क्वेश्चन। यस सर। मानता हूं, मगर ये ड्रग्स के बैग तुम्हारे पास पाए गए, या तो मुझे तुम्हें बंद करना पड़ेगा या तुम दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ेगी। कैसे? हाँ कैसे? क्या तुम्हारा कोई लंदन में है जो स्टेटमेंट पर साइन करेगा या तुम्हारी जामिन देगा? नहीं 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 सर, लंदन में नहीं है, लेकिन इंडिया में बहुत है। बोलो बुलाऊं? उनका भाड़ा कौन भरेगा? तो क्या क्या बंद कर, नहीं तो ये फिर अंदर डाल देंगे। सर एक टैक्सी ड्राइवर है सर। सर लेकिन बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे मालूम नहीं वो कहाँ रहते हैं सर। उस टैक्सी का नंबर? जी टैक्सी का नंबर है LH AG 36 36। एक मिनट यार, तू याद करने देना मुझे। 3669 सर। ऑफिसर, फाइंड वेयर द टैक्सी इज पार्क्ड। ये रहा टैक्सी स्टैंड, चलो। चलो सीक्रेट पुलिस, रन। कम ऑन कम ऑन। मैं देखता हूँ, भाई साहब गुल्लू का है? हाँ अंदर बैठ के बात कर उससे। हम लोग गुल्लू गुल्लू। अरे टैक्सी, कम ऑन कम ऑन। चलो कहाँ जाना है? अरे कहाँ जाना है बाद में देखेंगे, चलो। हैं? इमरजेंसी इमरजेंसी। गो मैन, चलो चलो जल्दी चलो। गुल्लू वो देखो सर, वो लेफ्ट किया सर, दैट इज गुल्लू सर, दैट इज गुल्लू। कम ऑन कम ऑन, जाना ना भाई। चलिए 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 सर सर, जल्दी आइए, बैठिए ना, सब ज्यादा लेट आप ही कर रहे हैं सर, बैठिए। फॉलो द टैक्सी, गाड़ी तेज चलाओ सर। वो देखिए, वो देखिए। अरे 60 की स्पीड से ज्यादा नहीं जा सकते, पेनाल्टी का तुम्हारा बाप भरेगा। अचानक कहाँ है? अरे तुमको जहाँ भी जाना है वहाँ ले चलो गाड़ी, लेकिन गाड़ी तेज चलाए, इमरजेंसी है। क्यों संडा जाना है क्या? है बहुत पैसा है, इतना क्यों ठसते रहते हो जो कंट्रोल नहीं होता? ओह
माय गॉड, अरे यहाँ से राइट राइट लेफ्ट लेफ्ट। अजीब बात, पहली बार देखा है जहाँ मुझे जाना, वहां चलो तैयार है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रुकते तो रुकेगी, रुको रुको। अरे गुल्लू, हे यार, इन पुलिस वालों को समझाओ यार, इन लोगों ने हम लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। नाम? गुल्लू। तेरे कुत्ते का नाम नहीं पूछा, तेरा पूरा नाम बता। वो गुलाब सिंह, लखन सिंह, हरियाणा वाले। इन्हें जानते हो तुम? नहीं नहीं साहब, इसने कहा था वो लड़की वड़की। क्या मतलब? नहीं नहीं नहीं, हुआ क्या है सर? तुमसे जितना पूछा गया उसका जवाब दो, जानते हो इन्हें? कैसे? ये लोग भारत से आए हैं सर, वो क्या कहते हैं, ड्रामा नाटक करने आए हैं लोग। इनके साथ 15-20 लोग और भी हैं सर। कहाँ रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया पार्क में सर। ऑर्गेनाइजर कौन है? रविंद्र जी तनेजा सर। सर वो क्या है, सीधे साधे लोग हैं, पहली बार यहाँ आए हुए हैं सर। इन लोगों ने कोई गड़बड़ की है क्या सर? बहुत बड़ी। एनीवे ऑफिसर, प्लीज टेक द सिग्नेचर ऑन द स्टेटमेंट। कम ओवर हियर लैड्स, कम ऑन। क्या हुआ? इस वक्त मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ, चलो। साइन हियर टॉप वन। जब भी पुलिस स्टेशन बुलाए तो हाजिरी देने पहुंच जाना। थैंक यू सर। ओके सर, बाय सर। आदमी है कि कबूतर, बोला था ना पुलिस से संभल कर रहना। अबे इसको बोल, इसको। साला खुश हो गया तू? खुश हो गया साला? बीए पास, अंग्रेजी बोल बोल के मेरे दिमाग की दही काट डाली इसने। कितना समझाया कि साला ये मुसीबत की पोटली है। फेंक इसको, फेंक इसको। नहीं, उछल 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 कर क्या बोल रहा था तू मेरे को? पुलिस में चलते हैं, इनाम मिलेगा, हैं? अखबार के ऊपर तस्वीर, छापू की तस्वीर तेरे मुंह के ऊपर। हमें मार मार के पुलिस ने कीमा नहीं किया ना, तो सिर्फ इसलिए नहीं किया कि मेरी माँ ने कुछ अच्छे कर्म किए थे पिछले जन्म में। साले कल के लौंडे सिखाने लगे। रिस्के। गुरु, गुरु जी, दरअसल बात यह है, एक फिल्म का हीरो आया है एक छोटी सी समस्या लेकर। आप उसकी मदद कर सकते हैं, इसीलिए तो बाटली लेकर आया हूँ। आप उसकी समस्या सुलझा दो प्लीज। भाई चल 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 चल। सेटिंग हुई? हुई नहीं, हो जाएगी, चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ा झूठ बोल दिया है। मैंने कहा तुम फिल्में बनाते हो, उसमें तुम मेन हीरो हो। क्यों, ड्रामा में क्या प्रॉब्लम है? अरे ड्रामा टीवी सीरियल बोलेगा, कोई लड़की काम नहीं करेगी। लेकिन मुझे, अरे लड़की चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ चाहिए। हाँ तो चुपचाप चलो, दिमाग का बैंड मत बजाओ। लेकिन मुझे कंचा लड़की चाहिए। अच्छा ड्रामा नहीं करना है, कंचे खेलना है उसके साथ। अबे कंचा मतलब सुंदर होता है। अच्छा चलो चलो, यानी बावला हो गया तू, लंदन में रह। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ आ रहा हूँ ना, आ रहा हूँ। गुरुजी कौन है? ये मिस्टर बंटी हैं। पैर छुओ। पेरी पेरी। तुम इस आदमी को जानते हो? इनका नाम है बंटी। बंटी, अरे इनके पिक्चर के बारे में तो सुना होगा ना, ये अपनी खुद की फिल्म डायरेक्ट भी करते हैं और उसके मेन हीरो भी। तो मेन हीरो है? गुरु जी, वो मैं नहीं हूँ, वो ये हैं। इनके बारे में बात की थी ना मैंने आपसे। तो फिर तू कौन है? मैं गुल्लू, टैक्सी ड्राइवर। मतलब तुम गुल्लू और ये टैक्सी ड्राइवर? नहीं, 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 वो दोनों मैं ही हूँ। तो फिर ये कौन है? ये ए, बंटी है। ये फिल्मों में क्या कर रहा है? ए, तुम दोनों मेरे को पागल मत बना, बहुत हो गया अब तुम लोगों का। इसको पूछ मेरे को जिस जिस काम के लिए आओ, मेरे को चाहिए, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करे। इसको पूछ लड़की कहाँ मिलेगी मेरे को? औरतें चाहिए? नहीं, एक लड़की चाहिए फिल्म में काम करने के लिए, वो भी हिंदुस्तानी मटेरियल होनी चाहिए। मिल जाएगी? और गुरुजी वो लड़की, वो जल्दी से करवा दीजिए। वो तो मैं भूल ही गया था, आज से 200 साल पहले, 200 साल पहले, 2 साल, 2 साल ग्रुप में एक लड़की थी, वो तुमको मिल सकती है। क्या नाम था उसका? क्या नाम था उसका? नाम बता उसको। पद्मिनी, शंखिनी, मोहिनी। रामायण के नाम नहीं, आज के नाम बता। जूली, सीमा, रीमा। हाका। हाका, ये कैसी डायन का नाम है? हाका डायन का नाम नहीं है, ये मेरे आदमी का नाम है। अब भाई इन्हें आदमी नहीं, इन्हें एक लड़की चाहिए। हाका है ना, ये मेरा आदमी है, इसके पास जाएंगे, ये बताएगा वो लड़की कहाँ रहती है। तो अब चले कहाँ भाई साहब? हाका के पास, हाका को ढूंढने। मैं भूल गया था, एक मिनट। ए तू मुझे कल बोलता ना, मैं हाका से मिलकर कल ही तुमको हीरोइन से मिला देता था। अरे तुमको मेरी पहुंच नहीं मालूम है, मैं हर हीरोइन को जानता हूँ। और तुमको पता है मेरी माँ इंग्लिश थी और मेरा बाप पंजाबी, और मैं उनका रिजल्ट हूँ। इतनी जल्दी पहुंच गए? हाका बाहर आओ। आप अंदर चलिए, अभी गाड़ी चली भी नहीं, आप चलिए अंदर, चलिए चलिए। कहीं ये पागल तो नहीं है? मेरे सारे पैसे बर्बाद तो नहीं करोगे तुम? नहीं नहीं, उतर जाएगी, चिंता मत करो। पक्का ना? सब ठीक हो जाएगा, बैठो बैठो बैठो। पहुंच गए? अरे अभी तक नहीं पहुंचे, बार बार निकल क्यों जाते हो? चलिए बैठिए बैठिए अंदर, चुप करके।